मेरे याद करने पर मुझे तुम याद करते हो, तुम तो इश्क करते थे, अरे क्या बात करते हो। अब एक शेर है, किसी के लिए लिखा था उस टाइम पे, तो वो कुछ इस तरह से है कि इश्क शरारत है एक जिस्म को जिस्म की उसरत है क्या। उसरत मीन्स कमी। इश्क शरारत है एक जिस्म को जिस्म की उसरत है क्या। तेरे सिवा नजरों को कोई भाता क्यों नहीं, तू सच में इतनी खूबसूरत है क्या। तो मेरे हिसाब से एक इश्क के तीन फेज होते हैं, प्यार के तीन फेज होते हैं, जिन्हें मैंने तीन शेरों में लिखने की कोशिश की है। तो पहला है प्यार का होना। तो पहला वो कुछ इस तरह से है कि ये भी मुमकिन है कि तुमसे मिलूं और बस मुस्कुराता रहूं, ये भी मुमकिन है कि तुमसे मिलूं और बस मुस्कुराता रहूं। मुकम्मल हो तुम मेरे हो, मुकम्मल हो तुम मेरे हो, खुद को यही यकीन दिलाता रहूं। और बीच में फिर एक ऐसा फेज आता है जहां कम्युनिकेशन गैप और ट्रस्ट इश्यू आने लग जाते हैं। तो फिर एक बंदा दूसरे बंदे से क्या पूछता है, वो कुछ इस तरह से है कि मेरे होने का तुमको एहसास है क्या, मेरे होने का तुमको एहसास है क्या, मेरे सिवा कोई और तुम्हारे पास है क्या। मीन्स ट्रस्ट इशू। मेरे होने का तुमको एहसास है क्या, मेरे सिवा कोई और तुम्हारे पास है क्या। तुम तो कहते थे सिर्फ मैं हूं तलबे प्यास तुम्हारी, तुम्हारी मेरे सिवा कोई और भी प्यास है क्या। और फिर लास्ट में वो फेज आता है जहां सब कुछ खत्म की कगार पर है, फिर भी एक एक बंदा जो कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि आदतन मुझे फिर चाह लोगे क्या। आदतन मीन्स ऑन हैबिचुअल बेसिस, कि आदतन मुझे फिर यूं चाह लोगे क्या, मैं जो कब का खो चुका हूं तुम्हें, तुम मुझे फिर पा लोगे क्या। आदतन मुझे फिर यूं चाह लोगे क्या, मैं जो तुम्हें कब का खो चुका हूं, तुम मुझे फिर पा लोगे क्या। वैसे तो मैं कभी किसी से रूठता नहीं, मगर तुमसे पूछना था, अगर मैं रूठा तो तुम मना लोगे क्या। अब वो नज़्म जिसके लिए मैं यहाँ पे आया, सबकी लाइफ में एक मोड़ आता है जहां पर वो सोचता है कि मुझे कोई कोई नहीं समझ सकता। आपकी लाइफ में भी आया होगा। तो मेरी लाइफ में जब ये आया था तो मैंने उस टाइम पे लिखा था, मैं सोचता हूँ आप रिलेट कर लेंगे। तो इसका नाम मैंने रखा सफर। तो वो ये कुछ इस तरह से है कि सफर तन्हा चलने तक को वो तैयार था, सफर तन्हा चलने तक को वो तैयार था, वो अधूरा नहीं था, वो बस खुद्दार था। बेवकूफी मिजाज में थी उसके, बेवकूफी मिजाज में थी उसके, उसका वक्त उससे कुछ ज्यादा समझदार था। यारों के नाम की किताबों में ना मिला, ये अक्सर मेरे साथ होता है, यारों के नाम की किताबों में ना मिला, क्या सवाल था वो जो इन जवाबों में ना मिला। यूं लफ्ज जो लिखता हूं तो रूह है खिल जाती, यूं लफ्ज जो लिखता हूं तो रूह है खिल जाती, जब भी सुकू कमा के वापस आता तो तन्हाइयां गले मिल जाती। वो बुरा है, वो अच्छा था वो बुरा है, मगर वो तुम्हारे मुताबिक ना हो पाएगा। वो अच्छा था वो बुरा है, मगर वो तुम्हारे मुताबिक ना हो पाएगा, तुम वक्त रहते उसे छोड़ देना, जल्द वो ठीक ना हो पाएगा। यूं एहसास जो लिखता हूं तो जख्मों को नमक सा छू जाता है, यूं एहसास जो लिखता हूं तो जख्मों को नमक सा छू जाता है। जवाब सबके पास हैं या सवाल सिर्फ मेरी ही जहन में आता है। अब मैं यूं कब तलक अपने एहसास से दिल दबाऊंगा, अब मैं यूं कब तलक अपने एहसास से दिल दबाऊंगा, थक गया फिराक सब समझते समझते। फिराक मेरा पेन नेम है, मैं यूज करता हूँ, मेरा पेज भी है। थक गया फिराक सब समझते समझते, मैं अब किसकी समझ में आऊंगा। थक गया फिराक सब समझते समझते, मैं जाने कब किसी की समझ में आऊंगा। थैंक यू सो मच।